नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, अगर आप भी मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर आना चाहते हैं और यहाँ के प्रमुख स्थानों पर घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको आज एक सबसे सस्ता साधन बताने वाला हूँ, और वो भी सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी ब्रज यात्रा को ऑटो से करते हैं या फिर बस वगैरह लेके करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले मनमांगा रेट मांगते हैं। तो अगर आप ऑटो बदल बदल के इस यात्रा को करेंगे तो आपको कम से कम 500 से 600 रुपये पर पर्सन का बैठता है। इसी यात्रा को अगर आप यहाँ गवर्नमेंट द्वारा जो बस चलाई जाती है एसी बस, उससे करते हैं तो आपको केवल 200 रुपये में पूरे ब्रज की यात्रा करा दी जाती है, और वो भी केवल एक दिन में। तो अगर आप भी पहली बार मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आ रहे हैं और बहुत ही सस्ते बजट में और अच्छी सुविधाओं के साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा जो मथुरा और वृंदावन से बस चलती है, एसी बस, इलेक्ट्रिक बस होती है ये चलती है ब्रज यात्रा के लिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि ये बसेस कहाँ कहाँ से चलती है और किन किन स्थानों पर घुमाती है। और इसलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको दो जगह से ये ब्रज यात्रा बस मिल जाएगी। तो एक मिलती है वृंदावन से और एक मिलती है मथुरा से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वृंदावन से किस तरह से यात्रा होती है और कहां कहां पे करवाते हैं। इसके अलावा मथुरा से भी, अगर आप मथुरा आते हैं तो वहां से भी आप यात्रा कर सकते हैं। मथुरा में जो बस मिलती है वो मथुरा का जो रेलवे स्टेशन है, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, वहां से मिलती है। और वृंदावन से जो ये बस मिलती है वो मिलती है पर्यटक सुविधा केंद्र से, जो कि यहाँ वृंदावन में मायावती हॉस्पिटल के पास है। यहाँ पे आप किसी से भी पता करेंगे मायावती हॉस्पिटल, तो आपको बता देगा ये जो मायावती हॉस्पिटल है या फिर ये पर्यटक सुविधा केंद्र है, ये मथुरा और वृंदावन वाली रोड पे ही पड़ता है और मेन वृंदावन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपके रुकने की भी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे जो पर्यटक सुविधा केंद्र नाम से जगह है, यहाँ पे पर्यटकों के लिए रुकने की भी जगह है बहुत ही सस्ते रेट में, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, इस वजह से यहाँ पे रेट काफ़ी कम है। 60 रुपये बिस्तर के हिसाब से यहाँ पे रेट शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा 150 रुपये, 200 रुपये, इसके अलावा अगर आप रूम लेते हैं तो एसी रूम, नॉन एसी रूम 800-1200 रुपये में यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाते हैं, और खाना भी काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पे मिल जाता है। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पर्यटक सुविधा केंद्र से जो वृंदावन से बस चलती है वो कहाँ कहाँ आपको घुमाती है। तो बस आपको मिलेगी वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र मायावती हॉस्पिटल के पास में। तो इसलिए अगर आपको इन बसों से जाना है तो आपको सुबह सुबह ही आना होगा। मथुरा से भी जो बस चलती है ब्रज भ्रमण के लिए वो सुबह ही चलती है, 7-8 बजे के टाइम को आपको मथुरा भी पहुंचना है अगर मथुरा से जाते हैं, और वृंदावन से जाते हैं तो वृंदावन भी आपको सुबह 7 बजे पहुंच जाना है। और मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया रहेगा आप वृंदावन आइए, वृंदावन से पूरे जो भी स्थान पर घुमाते हैं उन स्थानों पर घूमिए, और शाम को फिर वापस वृंदावन पर आ जाइए, और अगले दिन फिर वृंदावन के स्थानों पर घूम के आपके 2 दिन में पूरा ट्रिप खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज की बात करते हैं कि बस कितना टाइम लेती है। तो ये बस पूरे जो स्थान घुमाने में समय लेती है वो 1 दिन का समय लेती है। ये बस हमको ले जाती है वृंदावन से, इसके बाद मथुरा ले जाती है, मथुरा के बाद गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद गोकुल। तो इन सभी स्थानों पर घुमाती है, जो भी मथुरा वृंदावन के आसपास के सबसे प्रमुख स्थान हैं उन सब स्थानों पर घुमाती है, और मात्र 1 दिन में ये पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। सुबह 7 बजे आपको लेके जाएगी, शाम 5 बजे तक वापस आपको वृंदावन तक पहुँचा देगी। तो चलिए यहाँ से करते हैं यात्रा की शुरुआत और आपको बताते हैं कि किस किस तरह से ये यात्रा होती है। तो दोस्तों, ये वृंदावन से 7:30 बजे चलकर यहाँ पे ये हमको 8:15 बजे तक पहुँचा देती है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में, जो कि यहाँ मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ अंदर एक काल कोठरी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आज से 5,500 साल पहले। और फिलहाल यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, लेकिन अंदर कोई भी कैमरा, कोई भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो सब कुछ आपको बाहर ही जमा करके जाना होता है, इसलिए अंदर कोई भी वीडियो वगैरह आप नहीं बना सकते हैं। तो मैं बाहर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मंदिर है ये बहुत खूबसूरत है, और यहीं पर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, और 1 घंटे में आप दर्शन करके वापस बस में आ जाइए, और मोबाइल वगैरह और बैग रखने की सारी उचित व्यवस्था है, जिसका कुछ चार्जेस लेते हैं 10-20 रुपये, उसमें आपका सारा सामान यहाँ पर रख देंगे। फिर यहाँ से निकलते हैं आप गोवर्धन के लिए। अब यहाँ से 9:30 बजे हम गोवर्धन के लिए निकल चुके हैं, और करीब करीब 1 घंटा समय लगेगा, 10:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे गोवर्धन में। गोवर्धन में एक बहुत बड़ी परिक्रमा होती है, करीब करीब 20-21 किलोमीटर की, और उस पूरे परिक्रमा मार्ग में ही सारे जितने भी गोवर्धन के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो ये बस आपको पहुँचाएगी केवल गोवर्धन के जो बस अड्डा है वहाँ पर, वहाँ से आप फिर आपको एक ऑटो लेना होता है। तो चलिए पहले चलते हैं गोवर्धन बस अड्डे में, फिर आपको आगे की यात्रा बताते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी बस आ चुकी है गोवर्धन में,
और यहाँ से ये बस अड्डे पे छोड़ देते हैं, और यहाँ से अब हमको जो गोवर्धन की परिक्रमा करनी हो करीब 21-22 किलोमीटर की है, वो चाहे तो आप रिक्शे से कर सकते हैं, वैसे पैदल करना चाहे तो पैदल भी कर सकते हैं, बहुत से लोग पैदल भी करते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे यहाँ पे रिक्शे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा है और हमको शाम तक वापस भी आना है। तो इस तरीके से यात्रा होती है और बस यहाँ पे लाके छोड़ देती है। और दोस्तों यह है गोवर्धन का बस अड्डा, यहाँ पे इस तरह के ई रिक्शा चलते हैं जो कि यहाँ की जो पूरी परिक्रमा है 20-21 किलोमीटर की उसको करवाते हैं। मात्र 100 रुपये ये चार्ज लेते हैं पर पर्सन का, तो 100 रुपये में एक पर्सन का पूरा ये 2 घंटे में घुमाते हैं, और 2 घंटे में जितने भी मुख्य मंदिर पड़ते हैं रास्ते के उन सभी स्थानों पर ये घुमाते हुए फिर वापस आपको बस अड्डे तक ले आते हैं। तो 2 घंटे का करीब करीब टाइम लग जाता है और बस आपका 3 घंटे वेट करती है, तो इतने टाइम पर आप घूम भी सकते हैं और कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, तो वो सब भी यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों इस गोवर्धन परिक्रमा के दौरान कई सारे मंदिर पड़ते हैं, लेकिन उनमें से जो एक सबसे प्रमुख मंदिर स्टार्टिंग में ही आता है उसका नाम है पूछरी का लोटा। ये जो मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र मधुमंगल का मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तब उन्होंने अपने दोस्त को कहा था कि अभी यहाँ पे थोड़ा मेरा वेट करना, मैं कल परसों में आता हूँ, और ये उस समय से अभी तक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी भक्त गोवर्धन परिक्रमा में जाता है यहाँ से इनका आशीर्वाद लेकर ही आगे की अपनी परिक्रमा स्टार्ट करता है। तो जब सबसे पहले आप आए तो यहाँ पे इनके दर्शन करके फिर अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में जब मंगला दर्शन खुलता है ना श्रीनाथ जी का, तो प्रथम जयकारा प्रथम भोग उनके सखा का ही रखा जाता है। पहले ठाकुर जी नहीं खाते, पहले सखा को खिलाते हैं, और जयकारा लगता है पूछरी के लोटा की हुक हुक प्यारे, फिर मंगला दर्शन खुलता है ठाकुर श्री राज जय। यहाँ से दोस्तों जब आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो रिक्शे वाला ही आपको रास्ते में कई मंदिरों में ले जाएगा। तो कई प्रसिद्ध मंदिर रास्ते में पड़ते हैं, जैसे गिरिराज जी का मंदिर है, ये सामने आप देख रहे हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड है, इस तरह से कई सारे कुंड भी पड़ते हैं, कई सारे मंदिर भी पड़ते हैं, उन सबके दर्शन आपको 2 घंटे के में करीब हो जाएंगे। इसके बाद रिक्शे वाला आपको वापस बस अड्डे ले आएगा, जहाँ पे आपकी बस मिलेगी वही एसी बस जो आपको यात्रा करा रही है। फिर ये बस आपको लेकर चलेगी यहाँ से गोकुल के लिए। फिर लगभग 3 बजे तक आप पहुँच जाएंगे गोकुल में, और गोकुल में यहाँ से रिक्शा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे बस खड़ी होती है वहाँ से आधा किलोमीटर की पैदल डिस्टेंस है, वो कवर करके फिर आप पहुँच जाएंगे यहाँ गोकुल में। तो यहाँ आने के बाद आपको गाइड करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ की सारी चीज़ें समझनी है तो आप गाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने से भटकेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से प्रमुख मंदिर है, कहाँ कहाँ पर घूमें। तो जो मुख्य मंदिर है वो है यहाँ पर नंद बाबा का मंदिर, तो उसमें ज़रूर जाएँ आप। और बाकी ये जो हमारे साथ गाइड है इन्होंने हमको बहुत अच्छे से बताया, आपको यहाँ पे ये थोड़ा बहुत अभी बता देंगे, बाकी पूरा वीडियो मैं आपका बाद में डालने वाला हूँ। सामने मथुरा है, यहाँ से जन्मभूमि 12 किलोमीटर बैठता है, जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ ना भगवान का, तो भगवान के पिता वासुदेव जी यमुना किनारे किनारे लेके आए। ये सामने वासुदेव जी का घाट, वहाँ हाथ का लकड़ी पाँव का खड़ामू उसी जगह छोड़ दिया। यमुना माता में प्रवेश करने लगे, यमुना माता क्या सोचती हैं, तीनों त्रिलोकी का नाम आज हमारे दरवाजे के ऊपर सामने होके जा रहे हैं, इस योग में हमने इनका चरण स्पर्श नहीं किया तो आगे हमको कोई नहीं माने। चरण छिलिया पहला पटरानी यमुना जी का, आगे नंद बाबा का घाट पड़ता है, वहाँ विश्राम दिलाया, मथुरा में मामा कंस को मार के विश्राम किया है, यहाँ जन्म लेने के बाद में पहला विश्राम गोकुल में किया है। यहाँ भी विश्राम घाट है, नंद घाट। अच्छा यहाँ नंद घाट, ये बधाई का घाट है, वो शोक का घाट है। अच्छा, तो यहाँ विश्राम दिलाया, जो गीले कपड़े हो गए ना वो सबने छोड़े। अच्छा, ऊपर नंद बाबा के दे गई। अच्छा, अभी वहाँ कैसे बंधन मुक्त हुए, वो योग माया लड़की आई वहाँ भगवान की बहन, क्योंकि हाथ में हथकड़ी पाँव में बीड़ी थी ना, उसको काटने योग माया लड़की आई, बंधन मुक्त किया। योग माया लड़की फिर गोकुल आ गई योग के द्वारा, जो कृष्ण को दे गए बदला करके लड़की को ले गए, जो राजा कंस मारने लगा, क्या जवाब देती है, मामा पापी कंस तू हमको क्या मारेगा, फिर मारने वाला बालक मथुरा में जन्म लेके गोकुल में झूला झूलता है। यहाँ 2 मैनानंद होते हैं, यहाँ भगवान को झुलाते हैं तो घर पर बधाई आनंद के झूला झूलते हैं। तो दोस्तों गोकुल में फटाफट दर्शन करने के बाद इसके बाद आप निकल जाइए रमन रेती के लिए, और अगर आप जल्दी जल्दी में दर्शन करते हैं गोकुल के उसके बाद आप जा सकते हैं रमन रेती में, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, आपको ऑटो करके जाना होगा, यहाँ से ऑटो आपको ले जाएगा रमन रेती, करीब आधा घंटा लगेगा वहाँ पे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अपना खेल किए थे, बचपन में वो यहाँ पे मिट्टी में खेल किया करते थे,
तो इसी तरह से लोग आज भी यहाँ पर आकर मिट्टी में लौटते हैं। यहाँ पर लेटने की भी बड़ी मान्यता है और ये मिट्टी कुछ इस तरह की है कि अगर आपके कपड़ों पे ये मिट्टी लगती भी है तो ये झड़ जाती है, ये ज़्यादा देर चिपकती नहीं है, इस तरीके की यहाँ की मिट्टी है ये। तो ये है रमन रेती, यहाँ पे कई ऋषि मुनि आज भी रहते हैं और यहाँ पे भी आप एक बार दर्शन ज़रूर करने जाएं और मिट्टी में लौटना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद फिर वापस आ जाइए अपने ऑटो पकड़ के बस में और फिर उसके बाद यहाँ से जो बस चलेगी वापस आपको वृंदावन पहुँचा देगी। तो इस तरह से दोस्तों एक दिन में ही आपकी मथुरा, गोवर्धन और गोकुल की यात्रा हो जाएगी मात्र 200 रुपये में, वो भी एसी बस में। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि जो अगर आप तोड़ तोड़ के रिक्शे से करेंगे तो रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा रेट मांगते हैं, केवल बुकिंग पे जाते हैं और 300-400 रुपये से कम की बात नहीं होती एक प्लेस पे ले जाने की। तो उसके बाद जितने भी प्लेसेस जाएंगे 300-400 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे एसी बस, जिसमें आपकी ब्रिज यात्रा हो जाती है और शाम तक आप वापस वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र में आ जाते हैं। तो एक दिन में इतने स्थानों में घूमने के बाद फिर आप वृंदावन के स्थानों में अगले दिन घूम सकते हैं। वृंदावन में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं तो एक दिन वहाँ पे घूमने में भी लगता है। तो एक दिन में वृंदावन और एक दिन में ये सब करके आप दो दिन में अपनी पूरी ब्रिज यात्रा को कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और दोस्तों हमारे वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम आपकी सुविधा के लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।